इंटेलिजेंट बेटा, माँ के दिल को जानता था कि माँ के दिल में क्या है। शिद्दते गम से निढाल खातून शाहीन बीबी आर्मी पब्लिक स्कूल में शहादत का तमगा अपने सीने पर सजाने वाले तालिबे इल्म मुबीन शाह की वालदा है, जिनका लख्ते जिगर 16 दिसंबर को दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बना था। गमजदा वालदा अपने लख्ते जिगर को याद करके आज भी अफसुर्दगी की तस्वीर बनी हुई है। कहती हैं, जिस बच्चे पर 16 साल मेहनत की थी उसे दहशतगर्दों ने 16 सेकंड में जुदा कर दिया। ये तो ऐसा जख्म है कि ये हम भुला नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है औलाद जो होता है वो वजूद का एक हिस्सा होता है। जब आपका बेटा जवान हो जाए, 16 साल को पहुंच जाए और उसकी शहादत में उन जालमों के हाथों 16 सेकंड भी नहीं लगे, तो उस माँ के लिए ये 3 साल कैसे होंगे। सफाकी और दरिंदगी की मिसाल सानिहा एपीएस का गमजदा ख़ानदान आज भी दुख और गम की तस्वीर बना हुआ है। वालिद मुबीन शाह शहीद कहते हैं कि मुबीन शाह तालीम के साथ साथ हाफिज कुरान भी था, जिसे भुलाना आसान नहीं। इंतहाई मेरा बेटा नहीं था, वो मेरा एक दोस्त था, तो काफ़ी फरमा बरदार था। टॉडलर अकेडमी से जो है वो टॉपर था, हाफिज कुरान था, तो उसमें बहुत सी खूबियाँ थी जो भुलाई नहीं भुलाई जा सकती। APS के शहीदों का गम ता क़यामत फरामोश नहीं हो सकेगा, मगर आज भी गाजी तलबा के हौसले और जज्बे जवान हैं, जो दहशतगर्दों की असल शिकस्त है। कैमरामैन मास तारिक के साथ ज़ीनत खान, पेशावर। अब तक।